हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों क्या चीज़ें नई आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है, कितना आप लोग को इस मॉडल के लिए पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज सबके बारे में बात करेंगे ताकि एंड तक आप लोग को एक क्लियर आइडिया ये मिल जाए कि 2023 में 125 सेगमेंट पर यह बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा तारातोला फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुँचा सकूँ। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों टिपिकल जो होंडा की है आप देख लीजिए, वही की आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। अब इसको हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, देन हम लोग आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप लोग इसके डिज़ाइन में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कोई चेंज समझ में नहीं आएगी, लेकिन चेंज जो हुई है वो इसी कलर में और ग्राफिक्स में। सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दो कलर देखने में मिल जा रही है, हेवी ग्रे मेटालिक, देन आ रही है ये वाली कलर जो कि है डिसेंट ब्लू मेटालिक। अब दोस्तों क्योंकि कलर बिल्कुल ही नहीं है तो एक बार मैं आप लोगों को इसकी जो 360 वॉक अराउंड है वो देना चाहूँगा। सामने में आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का वाइजर है वो मिल रहा है, होंडा की स्टिकरिंग आप देख पा रहे हैं। देन साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो ये ऑरेंज कलर की स्टिकरिंग आपको मिल रही है ग्रे कलर के साथ, और थोड़ी सी वो स्पार्कलिंग इफेक्ट देने वाली यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। देन नीचे आप लोगों को वही सेम ब्लू कलर की जो मडगार्ड है वो देखने में मिल रहा है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर है। देन आप देख सकते हैं टैंक काउल ब्लैक, मतलब यहाँ पर ये ब्लू कलर में आ रही है। देन यहाँ पर ये मैट ब्लैक कलर में आप लोग को ये देखने में मिल रहा है, टैंक मेटालिक है और ये भी आप लोगों को वही स्पार्कलिंग जो ब्लू कलर है वही यहाँ पर देखने में मिल रही है। देन यहाँ पर होंडा की जो लोगो है 3D लोगो वो मिल रहा है ये स्टिकरिंग के साथ। देन आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पर कुछ देखने में मिलती है, पूरा एक बार साइड से आप देख लीजिए, और टेक्सचर जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब आप आ रहे हैं चीज़ तो आप तब आपको यहाँ पर जो मेन है वो दिख रहा है। अभी देखिए एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर भी आप लोगों को ब्लैक कलर की चीज़ दिख रही है। अभी एनआर स्मार्ट पावर क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम वही जो स्टिकरिंग वगैरह देखने में मिल रही है, रियर पोर्शन आप देख लीजिए कंप्लीटली आप लोग को ब्लैक देखने में मिलेगी, और लेफ्ट पोर्शन में अगर आप आ रहे हैं दोस्तों तो राइट में अभी जो आप लोगों ने देखा था करीबन वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रही है। बाकी ये कलर आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अब बात करते हैं प्राइस आपको कितना पे करना है। अगर आप लोग इसके स्टैंडर्ड एडिशन में आ रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए आप लोगों को करीबन 1,06,385 पे करना होगा, और ये वाली जो एडिशन देख रहे हैं स्पोर्ट्स एडिशन इसके लिए आप लोगों को करीबन 1,06,991 पे करना होगा। तो 400-500 रुपये तक आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब कितना आप लोगों को सही लग रहा है आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कलर आप लोगों को मतलब कलर वाइज प्राइस आपको कितनी सही लग रही है। अब दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों को चीज़ें और यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या करिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग इसके यहाँ पर ये की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए वैसे DRL के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप लोग इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहीं पर इसकी जो हाई बीम लो बीम है उसको ऑपरेट कर पाएंगे, और हाई बीम लो बीम पास लाइट के जो स्विच है एक साथ आप लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं पास लाइट का स्विच है, तो यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं, और LED की जो ब्रांडिंग है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों इसको हम लोग कर देते हैं बंद, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स आप लोगों को मिल रही है, काफ़ी तगड़ी सी आप लोगों को फाइबर की जो मडगार्ड है वो भी मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 80/100 सेशन के टायर है विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय, और डिज़ाइन आप लोगों को लग के सीरी है वो बिल्कुल बताएगा। बाकी स्टैंडर्ड मॉडल में भी डिज़ाइन आप लोगों को सेम ही मिलता है, चेंज वैसे नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर अभी भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है, मतलब जब आप यहाँ पर रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट जो ब्रेक है ये भी अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को सही बनाया जा सके। अब दोस्तों फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 240mm की ये जो डिस्क ब्रेक है ये देखने में बिल्कुल यहाँ पर मिल रही है, और अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो 31mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि आप देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक इसकी जो किक स्टार्ट है उसको नहीं हटाया है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन में तो वही सेम इंजन है जो एसपी में यहाँ पर आप लोग को स्टैंडर्ड एडिशन में मिल रही है, 123.94 cc 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिल रहा है, ऑफ कोर्स ये सिंगल सिलेंडर ही है। देन आप लोग देख सकते हैं होंडा की जो ब्रांडिंग वगैरह वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है, और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों पावर फिगर्स के बारे में तो 10.8 पीएस की मैक्स पावर और 10.9 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इसको रेडर 125 से कंपेयर करते हैं तो फ्रंट व्यू आप लोगों को वहाँ पर भी सेम ही देखने को मिलेगा, चाहे टायर हो ब्रेक हो या फिर सस्पेंशन हो, लेकिन वहाँ पर 17 इंचज़ की अलावेल मिलती है और यहाँ पर 18 इंचज़ की अलावेल मिल रहा है, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन जब आप यहाँ पर पावर फिगर्स में आ रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर 11.3 पीएस की मैक्स पावर 11.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क मिलती है, लेकिन वहाँ पर वेट भी ज़्यादा है दोस्तों, 123 किलोग्राम की वेट है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं
तो 116 किलोग्राम की वेट है, तब कह सकते हैं 7 किलोग्राम तक ये हल्की है। तो पावर टू वेट रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, तो परफॉर्मेंस वाइज ये भी आपको काफी बेहतरीन ही देखने में लगेगी। ठीक है, अब दोस्तों इंजन में कंपनी और एक टेक्नोलॉजी यूज करती है जो कि है एनहांस स्मार्ट पावर। अब इससे ये होता है दोस्तों कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करके कंपनी कोशिश करती है कि यहां पर जो माइलेज है उसको और ज्यादा एनहांस किया जा सके और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फुटरेस्ट है ये बिल्कुल ही मतलब यहाँ पर टिकी हुई है, इसको आप हिला नहीं पाएंगे। देन यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है देख सकते हैं काफी आप लोगों को तगड़ी देखने में मिल रही है। अब दोस्तों कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले इसकी यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है उसको थोड़ी सी पतली बना दी थी, आवाज जो है वो आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने आवाज़ भी सुन लिया, बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल एक बार नीचे कमेंट में लिखकर बताएगा। एक बार दोबारा इसकी जो की है उसको यहाँ पर हम लोग ऑन कर लेते हैं, और रियर में अगर आप लोग देखें दोस्तों तो इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है वो देखने में मिल रही है। देन यहाँ पर नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स भी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। देन ये रिफ्लेक्टर है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर आप लोगों को जो बल्ब लाइट है वो भी देखने में मिल रही है। रियर जो सेक्शन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिल जाएगी। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी टायर देख रहे हैं तो 100x80 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर जो टायर है वो बिल्कुल देखने में मिलती है। अगेन यहां पर आप लोगों को 18 इंचेस की अलॉय व्हील ही मिल रही है। हाँ, रिटर्न में अगर आप लोग जाते हैं अगेन मैं कहूंगा वहां पर 17 इंचेस अलॉय व्हील है और वहां पर आप लोगों को 100x90 मिलती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है टायर में, लेकिन हाँ वहां पर 17 इंचेस है, यहां पर 18 इंच मिल रही है। वहां पर भी आप लोगों को 130 एमएम की ड्रम ब्रेक मिलती है, यहां पर भी आपको चीजें सेम ही मिल रही है। सस्पेंशन अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो यहां पर आप लोगों को ये ट्विन जो शॉक एब्जॉर्बर है वो मिल रही है, लेकिन वहां पर मोनोशॉक मिलती है। बाकी दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, आप लोगों का क्या कहना है कौन सा सही है आप लोगों के लिए बिल्कुल आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। लिफ्ट में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो साड़ी गार्ड जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, उसको भी गार्ड करने के लिए काफी तगड़ी सी यहाँ पर ये जो फाइबर की गार्ड ये स्ट्रक्चर है ये भी आपको देखने में मिल रही है। देन ये जो लेडीज फुटरेस्ट है वो भी आप लोग को इंटीग्रेटेड मिल रहा है, तो इसके लिए आपको अलग से खर्चा नहीं करना होगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने इसको ओपन चेन नहीं रखा है ताकि मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा खर्चा ना हो, तो यहाँ पर आप लोग को क्लोज चेन देखने में मिलता है। मेन स्टैंड आप लोगों को मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर जो है बिल्कुल देखने में मिलती है। और इंजन में आप लोगों को अभी भी सेम 5-speed गियरबॉक्स ही मिल रहा है, 1 down and 4 up। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी डायमेंशंस के बारे में बताऊँ दोस्तों तो सीट हाइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर 790 mm तक की जो है बिल्कुल देखने में मिलती है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो ये आप लोगों को नॉर्मल सीट है वो मिल रही है, मतलब स्प्लिट सीट वगैरह नहीं है। अगर आप लोग फैमिली ओरिएंटेड है तो आप लोग को ज़्यादा ये मतलब कंफर्टेबल फील हो सकती है। देन अगर आप लोग कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो नॉट वेरी सॉफ्ट बट कंफर्टेबल, अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स में भी जा रहे हैं प्रेफरेबल है। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए आप लोगों को ये जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है, जो कि मेटालिक की है। तो पीछे अगर आप लोग पकड़ के बैठ रहे हैं तो वो भी डर आपको नहीं होगा कि एक्सेलरेशन के टाइम पे मैं गिर सकता हूं, वो डर भी आपको बिल्कुल नहीं होने वाला है। और वहीं अगर आप लोग रेडर में देखते हैं दोस्तों 780 एमएम की मिलती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट अराउंड मतलब 5'3" तक की भी है, इस बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप लोगों को 11.2 लीटर की जो टैंक है वो मिल रही है, और माइलेज दोस्तों इसी के लिए तो बाइक जानी जाती है, आप लोग यहां पर करीबन 55+ तक की जो माइलेज है, इवन 60 तक भी आप यहां पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक को ऑलरेडी चला रहे हैं, ओनर हैं आप, इस बाइक के एक्सपीरियंस आपका क्या है बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब जहां तक बात है दोस्तों यहां पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का, तो मैं बता दूं यहां पर आप लोगों को ये 160 एमएम की मिल रही है। यहां पर अगर आप रेडर से कंपेयर करते हैं तो हाँ वहां पर 180 की मिलती है, तो वहां पर उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिला हुआ, लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफी अच्छा राइड दे देगी, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देन अगर आप कर्व वेट देखते हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है रेडर में 123 है तो थोड़ी भारी है, लेकिन यहाँ पर 116 है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि मतलब वन ऑफ द लाइटेस्ट सेगमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। देन अगर आप लोग इसकी ये हैंडल बार पे आ रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप देख सकते हैं जो क्वालिटी वगैरह वो आपको काफ़ी सही मिल रही है। ये पास लाइट और हाई बीम लो बीम का जो स्विच है वो इंटीग्रेटेड है। देन आप लोगों को यहाँ पर टर्न सिग्नल के लिए मिल रहा है। देन हॉर्न इज डिसेंट, नॉट वेरी लाउड बट डिसेंट है। यहाँ पर आप लोगों को इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट का जो स्विच है वो आप लोगों को इंटीग्रेटेड देखने को मिल रहा है। बाकी साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये E20 का स्टिकरिंग है, मतलब ये OBD2 और E20 अपडेट इसको मिली हुई है। तो OBD2 है मतलब बेसिक्स फेस टू की जो एमिशन नॉर्म है वो ये बिल्कुल कंप्लाई कर रही है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, और क्योंकि E20 है तो फ्लेक्सिबल कंपैटिबल भी है। 20% इथेनॉल और 80% से बनने वाली फ्लेक्सिबल अगर कभी इंडियन मार्केट में आती है तो उसके साथ भी ये जो बाइक है आराम से रन करेगी। बाकी अभी जो फ्यूल मार्केट में मिल रही है उसके साथ भी आराम से रन कर जाएगी। अब दोस्तों इसकी जो मीटर कंसोल उसके बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से एक बार ये यहाँ पर स्वाइप भरती है। देन आप लोगों को ये जो फ्यूल गेज सेंसर है वो दिखेगी, स्पीडोमीटर दिखेगी। बाकी हाँ
मतलब टैकोमीटर अभी भी यहाँ पर मिसिंग है। देन आप लोगों को यहाँ पर जो ओडोमीटर है वो दिख रही है, यहाँ पर आप लोगों को जो गियर मोशन सेंसर है वो भी दिख रहा है। और यहाँ पर एक बार मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये मोड का बटन इस्तेमाल करने से ट्रिप ए, ट्रिप बी और जो किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। आप देख सकते हैं एवरेज वगैरह जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब कितने किलोमीटर आगे जाएगी, जितना फ्यूल है टैंक में उसके साथ, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। और यहाँ पर जो ओडोमीटर है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर स्पीडोमीटर के साथ। बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो टाइम है दोस्तों वो भी बिल्कुल यहाँ पर दिख जाती है। और आईने की जहाँ तक बात है दोस्तों काफ़ी बड़ी है और इसकी जो व्यू है रियर व्यू वो भी काफ़ी अच्छी ही आपको देखने में मिलेगी। बाकी बहुत जल्द मैं इसके लिए एक अलग सी जो राइड वीडियो दोस्तों वो मैं चैनल पर लाने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बाइक के बारे में पूरी तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर बात कर लिया है और अब यहाँ पर जान लेना जरूरी है सत्य वचन की घड़ी में कि कितना सही होगा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना। देखिए दोस्तों रेडर की अगर बात करी जाए तो अगर उसकी स्टैंडर्ड मॉडल की बात करते हैं जहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है तो वो करीबन 1,17,000 रुपये तक में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ अगर आप लोग आ रहे हैं 1,06,000 से 1,07,000 में मिल रही है तो करीबन 10,000 रुपये तक का डिफरेंस है। हाँ अगर आपको दोस्तों वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेलरेशन या फिर अगर आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन वगैरह चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर फील के लिए स्प्लिट सीट वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल उस बाइक के साथ जा सकते हैं 1,17,000 तक की बजट में, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं जब यहाँ पर इस बाइक के बारे में अगर आप लोगों को बताऊँ तो आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या फिर मिडिल एज के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना चाहिए कि आप लोगों को एक डे टू डे राइड नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए आप लोगों को एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए जहाँ पर सिटिंग पोजीशन भी अच्छी हो, आप लोगों को माइलेज भी यहाँ पर तगड़ी देखने को मिले, जो टायर्स है 125 सीसी के हिसाब से वो भी आप लोगों को अच्छी देखने को मिले। देन आप लोगों को यहाँ पर होंडा की जो ओवरऑल एक इंजन की जो ड्यूरेबिलिटी जो भरोसा है वो भी आप लोगों को चाहिए थी। ओवरऑल माइलेज आप लोग मतलब 55-60 किलोमीटर तक की आप लोग चाह रहे थे और एसपी की ये जो कलर है या फिर जो लुक है अगर आपको सही लग रही थी तो मेरे ख्याल से 1,06,000 से 1,07,000 तक के बजट में ये जो बाइक है ना, क्योंकि माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी आप लोगों को अच्छी निकाल कर देती है और लुक भी आप लोगों को काफ़ी स्पोर्टी ही निकाल कर देती है, तो एक बेहतरीन बाइक आप लोगों के लिए बिल्कुल बन सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू 2023 होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, बाइक आपको कितनी अच्छी लगी बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।